आईपीएल संग्राम में आपका स्वागत है। आईपीएल सीजन 9 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब से कुछ ही देर में खेला जाएगा। बैंगलोर ने पहले क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात लॉयंस को हरा फाइनल में जगह बनाई है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले नाइट राइडर्स को एलिमिनेटर में हराया और गुजरात लॉयंस को दूसरे क्वालिफायर में हरा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इससे पहले इस सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले हुए, जिसमें पहला मैच आरसीबी ने 45 रन से जीता, वहीं दूसरा मैच सनराइजर्स ने 15 रन से जीता था। बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली इस सीजन में 919 रन बना टॉप पर है, तो वहीं सनराइजर्स के कप्तान डेविड वार्नर 779 रनों के साथ इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज है। सनराइजर्स के पास शिखर धवन, युवराज और हेंड्रिक्स जैसे अच्छे बल्लेबाज है, जबकि बेंगलुरु के पास कोहली के अलावा एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, शेन वॉटसन और लोकेश राहुल के साथ मजबूत बैटिंग लाइनअप है। गेंदबाजी की बात की जाए तो सनराइजर्स के पास भुवनेश्वर कुमार, मुस्तफिजुर रहमान, बरिंदर सरन और हेंड्रिक्स जैसे बेहतरीन गेंदबाज है। वहीं आरसीबी के पास युवेंद्र चहल, शेन वॉटसन और अरविंद की शानदार टीम मौजूद है। आरसीबी इससे पहले 2009 और 2011 में आईपीएल का फाइनल खेल चुकी है, दोनों ही बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। ये तीसरा मौका है जब आरसीबी की टीम फाइनल खेलेगी, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहली बार आईपीएल का फाइनल खेलेगी। दोनों ही टीमों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले इस फाइनल मुकाबले में टॉस जीतना भी अहम होगा। अब देखना होगा कि दोनों टीमों में से पहली बार आईपीएल का विजेता कौन बनता है। लौटेंगे आईपीएल के फाइनल मैच रिपोर्ट के साथ। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।